नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक में। आप देख रहे हैं तंत्र मंत्र और विज्ञान, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। कहा जाता है कि मंत्रों का ऐसा प्रभाव होता है जिससे जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। सफलता के लिए मंत्रों का शुरुआत के दिनों से, यानी कि आदिकाल से ही बहुत ज़्यादा प्रयोग में आना हम सब जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे उपाय और कुछ ऐसे मंत्र जिनके प्रयोग से आपके सारे कष्ट दूर होंगे और आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, आपको हर तरह की सफलता मिल सकती है। पहला उपाय बताती हूँ, एक श्लोकी रामायण। एक श्लोकी रामायण का सुबह शाम पाठ करने से रामायण जी पढ़ने के तुल्य आपको फल मिलेगा। यह रामायण एक श्लोकी में बताती हूँ। आदौ राम तपोवनादे गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंका पुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद् श्री रामायणम। इस एक श्लोकी रामायण का सुबह और शाम के समय जो भी व्यक्ति पाठ करता है, देखिएगा उसके जीवन में पॉजिटिविटी आती है, वो हर तरीके से सक्सेसफुल होता है। एक और श्री राम जी की वंदना लेती हूँ मैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसका सुबह शाम श्री राम का ध्यान करते हुए वंदना करें या हनुमान जी के सामने भी इस वंदना को करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सक्सेस मिलेगी। यह वंदना है, लोकाभिरामम रणरंगभीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। इस श्लोक का ध्यान करते हुए श्री राम की शरण में खुद को समर्पित करिए, देखिएगा कैसे आराम मिलेगा। एक और वंदना देती हूँ आपके लिए, हनुमान जी की वंदना है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभुदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्री राम जी के इस दूत का जब भी आप ध्यान करेंगे तो देखिएगा निश्चित तौर पे आपको रुके हुए जितने आपके काम हैं उसमें सक्सेस मिलेगी और विजय ध्वजा आपके जीवन में जरूर लहराएगी। अब बात करते हैं एक और उपाय की, यह है श्री राम अष्टक। ये राम अष्टक है क्या ये बताती हूँ मैं। श्री राम अष्टक है, हे रामा पुरुषोत्तम नर हरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुण निधे दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाही माम। जब ही कोई मेजर संकट में फंस जाए तभी पाही माम श्लोक का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा संकट में हैं, इसका आप प्रयोग करें, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उपाय लेकर आऊँगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल एस्ट्रो तक पे तंत्र मंत्र और विज्ञान में। नमस्कार।